व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। में आज आपको जो अपनी मनी प्लांट, जो हमारा ये मनी प्लांट है, इसको एक स्पेशल साइज, स्पेशल शेप, स्पेशल लुक करने के लिए हमको कुछ ट्रिक्स अपनाने पड़ते हैं। और उसके लिए जो बहुत जो घना है, आप देख रहे हैं शाइनिंग लिए होता है एकदम से, उसके लिए हमें कुछ स्पेशल खाद भी देनी पड़ती है जो टोटली जो है ना ऑर्गेनिक होती है, उसमें केमिकल्स हम लोग बिल्कुल भी नहीं मिलाते हैं। तो दोस्तों आज हाँ हम जो है ना आपको जो ट्रिक देंगे, तो आप वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा का पूरा देखिए। कुछ लोग होते हैं कि जरा सा देखते हैं छोड़ देते हैं, तो उनको जो है ना पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है, इसलिए इसमें क्या क्या करना पड़ेगा। अब हमारा देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा ये मनी प्लांट का है। ये मनी प्लांट की वैसे तो कई वैरायटी हैं, चार पांच वैरायटी तो मेरे पास हैं, जिसमें एंजॉय होता है, एक मार्बल क्वींस होता है, बाकी एक देसी होता है, और स्मॉल पत्ती का भी होता है, कुछ लार्ज पत्तियों का भी होता है। तो जो हमारी स्मॉल पत्तियां हैं, इसमें मैंने दो तरह का व्यूअर्स लगा रखा है, एक स्मॉल पत्ती का है और एक मार्बल क्वीन का। फिर दूसरा पोथोस भी है, गोल्डन क्वींस का एक आता है, वो अलग अलग तरह के होते हैं, वेरीगेटेड उनके कई तरह के दोस्तों आते हैं। तो आज हम आपको अपना वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसकी ट्रिक क्या है, इसमें कौन सी खाद हम इसके साथ डालते हैं और हम इसकी केयर कैसे करते हैं। दोस्तों आज का टेम्परेचर 43 है, यूपी में बहुत गर्म रहता है, तो उसमें हम अपने पौधे को एक देखिए कितना चमकदार ग्रीनेस लस, और इसको स्पेशल साइज देने के लिए, स्पेशल शेप देने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, उस बारे में आज हम डिटेल में आपको बताएंगे। तो व्यूअर्स, हमारा वीडियो जो है ना, जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन में बटन दबा दें, जिससे हमारा जो भी नया वीडियो बनेगा उसकी जो है ना नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों मैं सबसे पहले इसका एक स्टिक के बारे में बात करूँगा कि जो हमारे अंदर आप देख रहे हैं स्टिक लगी हुई है, ये स्टिक को अगर आप बहुत घना और भूसी और अच्छा सा चाह रहे हैं, तो इस स्टिक को दोस्तों हर समय आपको कम से कम गर्मियां हैं तो दो बार इसको गीली करना पड़ेगा ऊपर से पानी, और अगर सर्दियां हैं तो एक दिन छोड़ के इसको गीली करना पड़ेगा। दोस्तों हमारे ये जो प्लांट्स होते हैं, ये प्लांट में देखिए एक ग्रोथ होती है, ये देखिए पूरी ये इसमें देखिए एक ग्रोथ होती है, तो इस ग्रोथ में देखिए नोड एरिया होता है, ये नोड एरिया मैं दिखाना चाह रहा हूँ, देख रहे हैं दोस्तों ये नोड एरिया है, ये देखिए ये तो होता ये है कि जब इस तरह का ये आउटर में आ जाता है, तो मैं इसको अंदर से जो है ना इसको जो हमारा मॉस स्टिक लगी होती है, इस मॉस स्टिक को मैं इसको अंदर को ऐसे उसी के किनारे इसको स्टिक कर देते हैं, और कोशिश करते हैं कि पत्तियां को जो है ना एक दूसरे से मिला दें। ये एक शेप होता है, हम अपना कैसा शेप देना चाहेंगे उस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों मैं इस तरफ भी देख रहे हैं कि ये जो हमारे ये जो बाहर लंबे लंबे भरते आ रहे हैं, इसको भी हम जो है ना अपना जो भी स्पेस पाते हैं पत्तियों को ठीक करके हम इसको इस तरह से लगा देते हैं कि पत्तियां हमारी एक रो में दिखें। बाकी दोस्तों ये जो अगर हमने जो है ना इसको जो मिट्टी भी जो हम लोग बनाते हैं, वो मिट्टी भी जो है ना इसकी स्पेशल तरीके से बनाते हैं, पॉट का साइज जो है ना हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, और मिट्टी को हमें चारों तरफ से नहीं कहना चाहिए, उसको मिट्टी को जो है ना पूरा न्यूट्रिएंट्स से कवर कर लेना चाहिए, जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होंगे, उसमें हमारा नाइट्रोजन की रिच क्वांटिटी में होगा, उसमें अमोनियम भी होगा, फॉस्फोरस भी होगा, और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे आपको अमीनो एसिड्स हैं, कुछ अच्छी सी प्रोटीन भी इसको चाहिए होती है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में जैसे सोडियम है, पोटेशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम है, जिंक है, इस तरह की चीज़ें भी जैसे हमारी अपनी बॉडी को नीड रहती है तो इनको हमें देना पड़ता है। तो व्यूअर्स जो है ना मैं अभी इसकी एक कैसे ये सुंदर बना हुआ है, इतना सुंदर कैसे है, और इसी तरह से दोस्तों ये बहुत अच्छा चलता रहेगा,
मैं सभी भी अपने दिखाना चाहूँगा, हम इधर से देखिए हमारे कितने सभी के सभी कैसे चल रहे हैं। तो इसके लिए इधर से आप देखो कितना हेल्दी है, इसको देखिए किसी तरह का इतने टेम्परेचर में भी ये कैसे रहता, देखिए कितने अच्छे अच्छे से ये देखिए चल रहा है, इस देखिए कितना बड़े बड़े अच्छे। तो बस इसको अगर हम अपना न्यूट्रिशन का अच्छा सा ध्यान देंगे ना, और जो हमारे बाहर में बाहर इस तरह के बार बार निकल रहे हैं, तो इनको एक हम स्पेशल सेप दे देंगे। अगर स्पेशल सेप देंगे तो हमारा देखने में सिमेट्रिकल लगेगा, एक जैसा लगेगा, तो ये काफ़ी अच्छा दिखाई देगा। अब दोस्तों मैं इसको इसकी जो जो हमारा वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण है, मैं खाद के बारे में इसमें बता रहा हूँ, इसमें खाद कैसे डालें। व्यूअर्स मैं इसको इधर करता हूँ, ये देखिए ये दोस्तों हमारे जो है ना जितने भी ये ऑर्गेनिक खाद है, इसमें केमिकल का कोई भी इसमें यूज़ नहीं हुआ है। ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखिए चाय की पत्ती है, आप देख रहे हैं, पास से दिखा दीजिएगा, वो चाय की पत्ती है एस, और इसको जो है ना हमने ये हमारा इसका चाय की पत्ती का एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट थोड़ा दायमा करो आ जाएगा हट जाओ, चाय की पत्ती का एक्सट्रैक्ट है वो मैंने इसमें छान लिया है। ये दोस्तों हमारा जो है ना ऑनियन पीस मैंने बनाया है, ये ऑनियन पीस है, हम इस चाय की पत्ती को इसमें आपको दिखा रहे हैं कि इसमें एक्चुअली क्या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें कैसे डालने पड़ेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत हमने इसके लिए बनाया है, ये चाय की पत्ती का पानी है, मैंने रात में भिगोया था, और इसको जो है ना जब इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो जो है ना सब के सब जो है ना हम इसमें, अब इसको दोस्तों आप देख रहे हैं इसको ऐसे ऐसे हम लोग इसको स्प्रे कर रहे हैं, तो हमारा जो इसमें काफ़ी मात्रा में जो है ना नाइट्रोजन होता है, काफ़ी मात्रा में जो है ना इसमें हमें पोटाश भी मिलता है, जो हमारे लीव्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और इसी तरह से दोस्तों हमने एक दूसरा भी इसका एक जो ऑनियन पील बनाया है, हमें उसको भी दिखा रहे, ये ऑनियन पील है, ये ऑनियन पील का हम क्या करते हैं ये है, बस इसको हमने अभी छानना है, छानने के बाद जो है ना ये देखिए ऑनियन के जो लीव्स होते हैं ऊपर वाले जो, ये हमने दो दिन पहले इसको भिंगाया था, इसका एक्सट्रैक्ट होता है जो इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस और अमोनिया होता है वो इसमें एब्जॉर्ब हो गया है। अब हम इसको स्प्रे करेंगे इसी से, और जो भी हमारा बचेगा ना उसको हम इसकी जड़ों में डाल देंगे, देख रहे दोस्तों ये इसकी जड़ों में डाल देंगे, तो ये काफ़ी इसमें जो रिच होगा वो रिच क्वांटिटी में वो है ना वो पूरे का पूरा आपको इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, और ये आपका पौधा बहुत अच्छा चलेगा। तीसरी चीज़ दोस्तों जो है ना हमारी कुछ चाय बची हुई होती है, हम इसको जड़ों में भी इसमें इसकी जड़ों में हम डाल देते हैं, तो हमें उसमें भी काफ़ी अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन मिल जाता है। एक दोस्तों ये ग्रोथ करके आता है, ग्रोथ प्लांट है, हम ये थोड़ा सा महंगा होता है, हम इसको भी पानी में डाल के, ये हमारा स्प्रे है, हम इसको भी स्प्रे कर देते हैं। बाकी दोस्तों कभी कभार होता है कि हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो इसमें जो है ना कुछ मिली बग का अटैक आ जाता है, कुछ ब्लैक एफिड्स का अटैक आ जाता है, तो उसके लिए मैंने एक सॉल्यूशन कमांड को खोल के रखा है, ये आपको दिखाना चाह रहे हैं, हम इसका भी स्प्रे कर देते हैं, तो ये देखिए काफ़ी अच्छा इससे चलता है, इससे जो है ना किसी तरह के कोई कीड़े वगैरह नहीं आ पाते हैं। अब दोस्तों जैसे जो ये जो लड़के रहते हैं आप देखिए, इसमें जो नोड एरिया होता है उस नोड एरिया से मैंने ये देखिए प्लांट बनाया है, सभी में देखिए रूट डेवलप हो गई है काफ़ी अच्छी, आप देख सकते हैं, ये इसका एक मैंने लिंक डाला है अपने वीडियो में मेरा पड़ा है, तो आप उसमें देख सकते हैं, मेरा पॉट थोड़ा सा बड़ा था, किसी तरह से ब्रेक हो गया है, तो ये मैंने इसे छोटे पॉट में रखा, आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल चल रहा, कितना हेल्दी है। बाकी दोस्तों इसमें जो है ना अभी मैं एक पॉट और मार्केट से लाएंगे, तब इसको उसी में शिफ्ट कर लेंगे, तो ये और काफ़ी खूबसूरत चलेगा। दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इसका टेम्परेचर का है, टेम्परेचर इस समय आउटर में काफ़ी 42 डिग्री सेंटीग्रेड 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हमें इस गर्मियों में अपने पौधों को बचाना कैसे, इसकी ये है कि हमारी ये जो मॉस स्टेक है इसको हम दो बार इसको गीले पानी से गीली करेंगे, एक सुबह एक शाम इसमें प्रॉपर पानी दे देंगे, डायरेक्ट सनलाइट से हमको इसको बचाना है, ब्राइट लाइट अगर जहाँ से भी आ रही वहाँ पर मुझे इसको रखना है,
जहाँ पे आपका कोर्टयार्ड है, आंगन है, आंगन से ऊपर से कहीं फ्रेश जो है ना एयर का वेंटिलेशन प्रॉपर है, तो आप जो है ना वो एयर प्रॉपर वेंटिलेशन में जो है ना आप इसको रख सकते हैं। दोस्तों जिस तरह से हमको फ्रेश एयर की ज़रूरत पड़ती है, वो इनको भी बहुत फ्रेश एयर की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए आपसे जो प्लेस का सिलेक्शन करेंगे वो ऐसी जगह करें जहाँ से हमारी हवा का आदान प्रदान, जो ट्रांसपोर्शन है, जो हमारा वेंटिलेशन है वो प्रॉपर हो इधर से दूसरी, तो वहाँ पर ये बहुत अच्छा चलेगा। बाकी व्यूअर्स जो और एक काम करना है कि जो नीचे नीचे आप देख रहे हैं, कुछ मेरे साइड इसमें किसी में नहीं है, डॉमे से पीरियड में था तो उस समय इसमें थे, तो देख सकते दोस्तों कुछ लीक्स जो है ना शुरू हो जाती हैं अंदर, उनको जरूर निकालना होता है क्योंकि मॉइस्चर रहता है, तो मॉइस्चर रहने के बाद जो है वो हमारे पत्तियों पे मॉइस्चर की वजह से फंगस लग जाता है, तो फंगस लग जाने से उससे हमारा पौधा जो है ना थोड़ा सा खराब हो जाता है। इस तरह की चीज़ें जो ड्राई लीव्स रहती हैं उसमें लगने, तो उसको हमें ड्रेसिंग करके क्लीनिंग करके हमें उसको मेंटेन करना पड़ता है। इसके बाद दोस्तों मैं इसके पॉट का सिलेक्शन के लिए मैंने बोल दिया कि पॉट जो है ना कभी 12 इंच का पॉट अभी लेना पड़ेगा साइज के अकॉर्डिंग। दोस्तों मैं इसमें एक हमारा बड़े पत्ते का काफ़ी है, उसमें मैंने जिसमें बड़े बड़े पत्ते हैं, उस बड़े पत्ते का मैंने वीडियो अभी बीच में बनाया था, जो हमारी लिंक में देख सकते हैं, हमारी साइड में उधर कोने में एक रखा हुआ है, तो वो बड़े बड़े पत्ते का है, तो उसमें थोड़ा सा न्यूट्रिशन के हमें जैसे ध्यान देना पड़ता है क्योंकि छोटे से गमले में उसको न्यूट्रिशन ज़्यादा चाहिए होता है। और अगर हमको बड़े बड़े पत्तों का किसी पेड़ पर चढ़ाना होगा, किसी उसकी फ्रंट पर चढ़ाना होगा, तो हमें उसके लिए ज़मीन में लगाना होगा, उसमें थोड़ा न्यूट्रिशन ज़्यादा देना पड़ता है, इसीलिए उसका विशेष मुझे ध्यान ये रखना पड़ता है कि उसको ज़मीन में लगाना पड़ता है। बाकी दोस्तों मैं इसमें इसकी जो मॉस स्टिक की बात कर रहे हैं, मॉस स्टिक को एक हम लोग ऊँचा भी कर सकते हैं, इसको हम एकदम राउंड जैसे यू शेप में भी बना सकते हैं, इसको हम कोई एक साइज जो होता है और शेप होता है वो शेप में भी ला सकते हैं। उसके लिए दोस्तों हमको पहले से फ्रेम बनाना पड़ता है, फ्रेम बना के हमारे अपने फ्रेम को गमले में लगाना पड़ता है, और धीरे 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 जो हमारी मेन ब्रांच होती है, दोस्तों ये हमने तो भूसी बनाया है इसलिए आप देख रहे हैं बहुत सारी ब्रांचेज इसमें होती हैं, तो हम सारी ब्रांचों को डेवलप किया है क्योंकि मुझे भूसी बनाना था, एकदम घना बनाना था एकदम, इसमें दोस्तों नहीं किया है। जिन लोगों को राउंड में यू शेप में बनाना रहता है वो क्या करते हैं, जो मेन ब्रांच होती है उसको डेवलप होने देते हैं, जो साइड की ब्रांचेज होती हैं उसको कट कर देते हैं, तो होता है कि हमारा जो डेवलपमेंट प्लांट है वो डायरेक्ट ये एक सिंगल उसमें बेल के रूप में चलता रहता है, हम उसको आगे बढ़ाते रहते हैं, तो वो बाद में जैसा आप इसको साइज देना चाहेंगे, जैसा भी साइज देना चाहेंगे वो आपको वैसा ही साइज उसमें मिल जाएगा, तो उसके लिए बस यही ट्रिक हमें अपनानी पड़ेगी। बाकी दोस्तों आप इस अपने प्लांट को चारों तरफ से घुमा के दिखा सकते हैं, चारों तरफ से घुमा के देखिए जो एरिया आपकी जो है ना यहाँ पर भी देख रहे थे कम पत्ते हैं, उस एरिया को जो है ना आप अपना जो है ना उसमें फंसा सकते हैं ऐसे, देखिए हमारे कुछ एरिया जो है ना इधर से कम है, घने नहीं हैं, तो उसको हम जो है ना इसको घना बना सकते हैं। ये देखिए मैंने एक खाली जगह थी तो मैंने इसको पूरा लगा दिया, अब ये देखिए कितने सारे ये सभी आ रहे हैं, मैं इसको जो है ना या तो एक नया प्लांट बनाएंगे या इसको जो है ना हम इसी तरह से गोल करके देख लेंगे कि हमारा कौन एरिया है इसको कम था वही छुपा के रखना है, जिससे जो है ना हमें देखने में पूरा का पूरा एकदम राउंड राउंड लगे, देखने में इसकी पत्तियाँ बहुत खूबसूरत लगे, तो इसको हम इस तरह से बना सकते हैं। बाकी इसमें जो हमारी केयर होती है वो टेम्परेचर का केयर देना पड़ता है, विशेष ध्यान ये देना पड़ता है कि ये किसी गर्मी की वजह से कहीं ये प्लांट जो है ना जल ना जाए, गर्मी इसको ज़्यादा लगेगी तो ये प्लांट का जो कॉर्नर होते हैं लीव्स के वो दोस्तों ये लीव्स आप देख रहे हैं कि गर्म होने लगती है, कि इसकी खासियत अच्छा होती है कि इसको जो है ना गर्मी लग रही है। भी बस ये जो हमारा प्लांट है वैसे तो काफ़ी हार्डी प्लांट होता है, बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर आपको स्पेशल इसको बनाना है, स्पेशल लुक देना है, तो दोस्तों इसकी आपको स्पेशल केयर भी करनी पड़ेगी।
स्पेशल केयर में मैंने यही सब आपके बारे में बताया। हमने आपको अभी वर्मी कंपोस्ट के बारे में, उसके जो मिट्टी में है वो कैसे गड़ाते हैं वो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और पहले भी मेरे दो तीन इसके लिंक पड़े हुए हैं, आप हमारे मनी प्लांट के बारे में स्पेशल जानकारी दे सकते। मैंने कई प्लांट्स ये अभी दोस्तों मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि इसमें इसको जो है ना ये प्रपोगेशन कैसे करते हैं। तो हम लोगों ने प्रपोगेशन जो है ना एक प्लांट से कई प्लांट कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए भी मैंने कई इसमें वीडियो डाल रखे हैं, तो आप उसमें देख सकते हैं कि कहाँ से कैसे इसको प्रपोगेट करते हैं। बेसिकली यही होता है दोस्तों, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, ये नोट एरिया होती है, इसको हम कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद जो है ना हम इसको स्पेशल जो है ना एक पॉट लेते हैं, मिट्टी का सिलेक्शन अच्छा से करते हैं और उसके मिट्टी के सिलेक्शन में जो है ना इसको हम लगा देते हैं। तो आप देखोगे 20 डेज के बाद उसमें थोड़ी थोड़ी सी रूट डेवलप होने जाएंगे। बस विशेष ध्यान आपको देखना ये पड़ेगा कि उसका जो है ना मॉइस्चर खत्म ना हो। मॉइस्चर अगर खत्म होगा तो पौधे में रूट डेवलप होने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। वीबर से इसको डायरेक्ट कोकोपीट में भी हम लगा सकते हैं और डायरेक्ट हम सैंड में भी लगा सकते हैं। सैंड का टेम्परेचर आपको देखना पड़ेगा, मॉइस्चर आपको देखना पड़ेगा, बहुत जल्दी जल्दी उसका रेन आउट हो जाता है, सूख जाता है, तो वो आपको स्पेशल एक केयर देखने करना पड़ेगा। बाकी व्यूअर्स देख रहे हैं आप, बटन की वजह से ये हल्का सा टेढ़ा हो रहा है। मैं अभी इसको नीचे से मिट्टी लगाते या एक सपोर्ट और देके इसको तैयार करेंगे। इधर आप देख सकते हो दोस्तों, ये किसी तरह की कोई इसमें मेरी समझ में कमी नहीं आ रही है, काफ़ी अच्छा चल रहा है। बहुत बुशी है, लस है, ग्रीनेस है और चारों तरफ से यूनिवर्सल दिख रहा है। तो दोस्तों हमारा देखिए ये टेरेस गार्डन है, ऊपर से खुला हुआ है, इसमें थोड़ा सा छनी हुई जो है ना जो लाइट है वो इसको पसंद है, जो तो वो ये इस पर आती है। तो इसका एक फेवराइट प्लेसेस इसको आई थिंक है इसके लिए, तो जो जिसकी वजह से ये बहुत सुंदर चल रहा है। ये दोस्तों हमने अभी इंडोर प्लांट भी रखा था इसको काफ़ी दिन से, ज़्यादातर हमारे मनी प्लांट इंडोर ही रहते हैं, बदल बदल के मैं इनको बाहर कर देता हूँ, कभी अंदर कर देता हूँ। दोस्तों ये नासा से प्रूव है और 100% इसको बेनिफिट ही देता है, ये मनी प्लांट है तो बेनिफिट ये देता है। ये है कि हमको जो है ना ऑक्सीजन इसको जो है ना हर समय देता रहता है, जो इसका सबसे एक मेडिसिनल यूजेज है। हमारे घरों में जो है ना छोटे छोटे घर रहते हैं तो उसमें जो है ना हमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, तो इस तरह का पौधा अगर घर में लगा लोगे तो आपको एक भूसी लुक भी मिलेगा और हमारी जो है ना डेफिशिएंसी वगैरह नहीं होगी। बाकी दोस्तों जो ये प्लांट है ना, ये प्लांट जो है ना बहुत खूबसूरत और बहुत हार्डी प्लांट होता है, बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है। तो मैंने ज़्यादातर घरों में देखा है इस प्लांट को, अगर इसकी आप स्पेशल केयर करोगे तो आपको स्पेशल रिजल्ट मिल जाएगा। अगर मान लीजिए केयर नहीं इसकी स्पेशल कर पाती तब भी दोस्तों ये काफ़ी अच्छा दिखता है। और घरों में ज़्यादातर घरों में हमारे इंडियन घरों में बहुत जगह इसका विशेष महत्व होता है और बहुत सारे लोग लगाते हैं, चुरा के लाते हैं, ये सब कहने का रहता है, या वैसे ही खरीद के लाते हैं तो लगाते हैं, तो काफ़ी अच्छा ये चलता है। तो आज की वीडियो मैंने जो इसकी जो हमारा ये खाद था, ये खाद के बारे में इसको डायरेक्ट भी दोस्तों हम इसके उस पर डाल सकते हैं। देखिए हम इस पर डाल दें, इसकी स्टिक है मॉस स्टिक में भी डाल सकते हैं। चाय की पत्ती का ये देखिए, ये चाय की पत्ती है, चाय की पत्ती हम इस बीच में डाल सकते हैं, जैसे ये है इसके नीचे वाले पोर्शन में कहीं। बस इसको दोस्तों इसको मॉइस्चर का विशेष ध्यान देना पड़ेगा, इसका मॉइस्चर कवर करना पड़ता है। अगर मॉइस्चर नहीं कवर होगा तो फिर इतना ग्रीनिश नज़र नहीं आएगा। बाकी मैं दोस्तों से जो हमारा वीडियो देखते हैं उनसे मैं सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा, और हमारे जो नए सब्सक्राइबर हैं उनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हमारा जो भी वीडियो आएगा वो सबसे पहले आपको मिल जाए। अंत में दोस्तों सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।